तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत इस फिल्म के पहले भाग प्रोमीथियस से पहले की घटना से होती है, जहां पीटर वेलेंड पहली बार डेविड को एक्टिवेट करके बताते हैं कि वो उनके क्रिएटर हैं। डेविड उनसे पूछते हैं कि अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया है। पीटर कहते हैं, इस सवाल का जवाब हम इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं, एक दिन मैं और तुम इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ निकालेंगे। डेविड कहते हैं, लेकिन आप तो एक दिन मर जाएंगे और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, जिसे सुनकर पीटर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। प्रोमीथियस में हुई घटना के 11 साल बाद कोवेनेंट नाम का कोलोनाइजेशन शिप 15 लोगों के क्रू 2000 इंसानों के साथ, जो कि क्रायोस्लीप में थे, और 1140 ह्यूमन एम्ब्रियोज जो कि कोल्ड स्टोरेज में थे, इन सभी को लेकर ऑर्गस 6 नाम के प्लैनेट की तरफ जा रहा होता है, जहां इसे पहुंचने में 7 साल 4 महीने और लगने थे। इस शिप को वॉल्टर नाम का एंड्रॉयड मॉनिटर कर रहा था, जो कि एक एडवांस एंड्रॉयड मॉडल था, जो बिल्कुल हूबहू डेविड की तरह ही दिखता था। कुछ समय बाद यात्रा के दौरान ये शिप खुद को अपने सोलर पैनल्स के थ्रू रिचार्ज कर रहा होता है, जब एक सोलर फ्लेयर बर्स के कारण शिप के सोलर पैनल्स का कुछ हिस्सा बुरी तरह से टूट जाता है। इस दुर्घटना से शिप को भी काफ़ी झटका लगता है और शिप के कॉकपिट एरिया में भी आग लग जाती है, जिसे वॉल्टर बुझा देते हैं और मजबूरन उन्हें अपने 14 क्रूमेट्स, जो कि आपस में कपल्स भी थे, उन्हें इमरजेंसी में क्रायोस्लीप से वक्त से पहले ही उठाना पड़ता है। क्रू के सभी लोग उठ जाते हैं, लेकिन शिप के कैप्टन और डैनियल्स के पति जेकब ब्रांसन को होश नहीं आता और किसी तकनीकी खराबी के कारण उनका क्रायोपॉड सील हो जाता है। डैनियल्स और बाकी क्रू के लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉड को खोल ही नहीं पाते और बाद में उसमें आग भी लग जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। डैनियल्स जेकब को खोकर बेहद टूट जाती हैं, और उधर क्रिस्टोफर ओरम शिप के नए कैप्टन बन जाते हैं, जो अपनी पत्नी कैरन और बाकी के सारे क्रू को बताते हैं कि इस दुर्घटना के कारण 47 ह्यूमंस, 16 ह्यूमन एम्ब्रियोज और हमारे क्रू का एक सदस्य का नुकसान हमें हुआ है। हमारा शिप अपनी 83% वर्किंग कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है, और जो भी नुकसान हुआ है उसे हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा, ताकि हम आगे की यात्रा पर निकल सकें। इसके बाद क्रू शिप की मरम्मत करने लगता है, जिसमें डैनियल्स और वॉल्टर शिप के टेराफॉर्मिंग मॉड्यूल को ठीक कर देते हैं। इस दौरान डैनियल वॉल्टर को बताती है कि इस प्लैनेट पर एक लेक भी मौजूद है, जहां जेकब अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहते थे, लेकिन अब इस बात का क्या मतलब। लेकिन वॉल्टर कहते हैं, अगर आपने उन्हें वादा किया है तो आपको ये घर जरूर बनाना चाहिए। उधर चीफ पायलट टेनेसी और सिक्योरिटी यूनिट के मेंबर एंकर सोलो पैनल्स को ठीक कर देते हैं, जिससे शिप पर पूरी तरह से पावर लौट आती है। सोलो पैनल्स को ठीक करने के बाद जब टेनेसी शिप के अंदर वापस लौट रहे होते हैं, तब अचानक से उनके सूट का एंटीना एक अनक्लियर मैसेज रिसीव करने लगता है। क्रू इनके हेलमेट में रिसीव हुए मैसेज को जब दोबारा से सुनती है, तो इन्हें किसी इंसान की आवाज़ उसमें सुनाई देती है, जो गाना गा रहा होता है। इस सिग्नल के सोर्स को ट्रैक करने पर इन्हें एक प्लैनेट के बारे में पता चलता है, जो ऑर्गस 6 प्लैनेट से भी ज़्यादा अच्छा होता है इंसानों के रहने के लिए। ऑर्गस 6 पहुँचने में अभी भी 7 साल 4 महीने का वक्त लगना था, और जेकब के मरने के बाद क्रू के ज़्यादातर लोग वापस क्रायोपॉड्स में जाना नहीं चाह रहे थे। इसलिए कैप्टन ओरम डिसाइड करते हैं कि एक बार इस प्लैनेट के पास जाकर हमें ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन सेकेंड इन कमांड डैनियल्स इस चीज़ के लिए मना करती है, क्योंकि उनके मुताबिक इन्होंने 1 दशक पूरे सोलर सिस्टम को स्कैन किया, जिसके बाद इन्होंने ऑर्गस 6 प्लैनेट को चुना इंसानों के एक नए घर के लिए। लेकिन स्कैन के दौरान ये अनजान प्लैनेट कभी भी अपेयर नहीं हुआ, और पूरा क्रू ऑर्गस 6 प्लैनेट के लिए ट्रेंड था, और अचानक से अब इस प्लैनेट को चुनना क्रू और बाकी के 2000 इंसानों को खतरे में डालने जैसा था। लेकिन कैप्टन ओरम अपने फैसले को नहीं बदलते। कुछ समय बाद शिप इस प्लैनेट के पास पहुंच जाता है, और 10 लोगों की सर्वे टीम इस प्लैनेट को सर्वे करने के लिए लैंडर शिप के जरिए निकल पड़ती है। इस शिप को पायलट कर रही होती है मैगी फेरिस, जो कि टेनेसी की वाइफ होती है। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले इन्हें एक तूफान का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मैगी शिप को संभाल लेती है। ये प्लैनेट पूरी तरह से अर्थ से मिलता जुलता होता है। मैगी शिप को सही सलामत एक झील के किनारे लैंड कर देती है। टीम सिग्नल की सोर्स की तरफ बढ़ जाती है, जो इनके डेस्टिनेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर होती है, और मैगी शिप के पास ही रुक जाती है और शिप को तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने लगती है। रास्ते में टीम को कुछ गेहूं की फसलें भी मिलती हैं, जो निश्चित रूप से किसी इंसान ने ही लगाई थी, लेकिन किसने। आगे बढ़ते हुए कैरिन, जो कि बायोलॉजिस्ट होती है, इस प्लैनेट के नेचुरल हैबिटेट को स्टडी करने के लिए टीम से अलग हो जाती है। साजन लोप, इनकी सिक्योरिटी टीम के मेंबर, लेडवर्ड को इनके साथ भेज देते हैं। बाकी टीम घने जंगल से आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचती है, जहां किसी चीज ने पेड़ों के सिरों को बुरी तरह से तोड़ दिया होता है। कैप्टन ओरम कहते हैं, ये कुछ बहुत बड़ी चीज होगी जिसकी वजह से पेड़ों का यह हाल हुआ है।
साजन लोप कहते हैं ये जो कुछ भी है वहां पहाड़ों के ऊपर है। इसी दौरान डैनियल्स भी कहती है क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? सभी कहते हैं नहीं तो। डैनियल्स कहती है वही तो, हम इतने घने जंगल में हैं और हमें एक भी जानवर या पक्षी की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी, ये बहुत ही अजीब है। इसके बाद टीम दोबारा से चढ़ाई चढ़ने लगती है। उधर कैरीन पानी के सैंपल्स ले रही होती है जब लेडवर्ड सिगरेट पीने के लिए थोड़ा सा अलग चले जाते हैं, जिस दौरान उनका पैर एक छोटे पौधे पर पड़ता है जिसके अंदर से एक सूक्ष्म जीव निकलता है और उनके कान के रास्ते उनके शरीर के अंदर घुस जाता है। उधर दूसरी टीम काफी देर चढ़ाई को चढ़ने के बाद एक खुली जगह पहुंचती है जहां उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज आती है। टीम समझ नहीं पाती कि आखिर ये है क्या चीज। वॉल्टर सभी को कहते हैं कि शायद ये किसी तरह का शिप लगता है और इसी चीज ने क्रैश होकर जंगल के इस हिस्से में पेड़ों को असल में तोड़ा था। टीम इस चीज के अंदर घुस जाती है जहां टॉम जो कि साजन लोप के हस्बैंड भी थे उन्हें वैसा ही पौधा दिखता है जैसा जंगल में लेडवर्ड को दिखा था। वो उसे हाथ से छूते हैं जिससे वैसा ही काला सूक्ष्म जीव उनके नाक के जरिए उनके शरीर में घुस जाता है। जंगल में लेडवर्ड की तबीयत खराब होने लगती है। उधर शिप के अंदर छानबीन के दौरान डैनियल्स को एलिजाबेथ शॉ का डॉग टैग मिलता है। वॉल्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये प्रोमेथियस शिप की चीफ साइंस ऑफिसर थी। ये शिप आज से करीबन 10 साल पहले गायब हो गया था। डैनियल्स कहती है वो यहां तक पहुंची कैसे, और डेफिनेटली ये एक शिप है लेकिन वेलन कॉर्पोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद टीम एक दूसरे कमरे में पहुंचती है जो किसी शिप के कॉकपिट एरिया जैसा लग रहा था। कैप्टन ओरम इस कमरे में जब गलती से एक बटन को दबा देते हैं तो एक होलोग्राफिक इमेज इनके सामने अपीयर होती है जो इस शिप को ऑपरेट करते हुए गाना गा रही होती है। यह असल में एलिजाबेथ शॉ होती है। कैप्टन ओरम कहते हैं यही मैसेज हमें कवेनेंट शिप पर रिसीव हुआ था। तभी कैप्टन ओरम को कैरीन का रेडियो मैसेज आता है कि लेडवर्ड की हालत बहुत खराब हो गई है और वो लोग शिप की तरफ वापस जा रहे हैं। कैरीन शिप पर मैगी को भी मेडबे को तैयार रखने के लिए कहती है। कैप्टन ओरम बाकी टीम को तुरंत वापस शिप की तरफ निकलने का ऑर्डर देते हैं। शिप से बाहर निकलते हुए अचानक टॉम की भी तबीयत खराब होने लगती है। मैगी कवेनेंट शिप पर टेनेसी को बताती है कि कुछ दिक्कत है क्योंकि कैरीन बता रही थी कि लेडवर्ड को कुछ इन्फेक्शन हो गया है और उसे क्वारंटीन करना पड़ेगा। इस बात से शिप पर टेनेसी और बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। तभी मैगी को कैरीन का रेडियो मैसेज आता है जो उसे बाहर मदद के लिए बुलाती है। लेडवर्ड की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। मैगी भी इन्हें देखकर इनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। तभी लेडवर्ड चलते चलते गिर जाते हैं। कैरीन जैसे ही उन्हें उठाती है वो उनके ऊपर खून की उल्टी कर देते हैं जिसे देखकर मैगी एकदम डर जाती है। कैरीन लेडवर्ड को जैसे तैसे उठाकर मेडबे तक ले आती है। ये दोनों तुरंत लेडवर्ड का इलाज शुरू करने की तैयारी करने लगती है। मैगी लेडवर्ड के टी शर्ट को जैसे ही खोलते हैं अचानक उनके पीठ में छेद होता है जिससे खून की छींटें मैगी के चेहरे पर गिर जाती हैं। वो घबराते हुए कैरीन को कहती हैं कि मैं कैप्टन ओरम से पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ पहुंचे। बाहर निकलते हुए वो इस मेडबे को लॉक कर देती हैं। लेडवर्ड अब बुरी तरह से तड़पने लगे थे। मैगी तुरंत कैप्टन ओरम को रेडियो पर होते हुए बताती हैं कि लेडवर्ड के शरीर से बुरी तरह खून निकल रहा है, पता नहीं ये चीज़ क्या है, कहीं मैं और कैरीन भी इससे इन्फेक्ट ना हो गए हो, आप लोग प्लीज़ जल्दी आइए। ये सब सुनकर कवेनेंट शिप पर टेनेसी मैगी को कहते हैं कि तुम प्लीज शांत हो जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी कैरीन चिल्लाते हुए मैगी को मेडबे का दरवाजा खोलने के लिए बुलाते हैं लेकिन मैगी वहां आकर कहती है कि हमें इस इन्फेक्शन को बाकी लोगों तक फैलने से रोकना होगा कैरीन, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तभी लेडवर्ड और बुरी तरह से तड़पने लगता है, उनके पीठ पर एकदम उभार सा आने लगता है। कैरीन उनके पास जाकर उन्हें गले लगाती है कि तभी लेडवर्ड की पीठ से कुछ तीखी चीज उनके शरीर से निकलकर कैरीन के हाथों पर चुभती है। वो डर की मारे चीखती हुई मैगी को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। मैगी तभी लेडवर्ड को देखकर चीख पड़ती है और वहां से भाग जाती है। खून से लथपथ एक मांस का टुकड़ा लेडवर्ड की पीठ को फाड़कर जमीन पर नीचे गिरता है। कैरीन पीछे मुड़कर देखती है तो वो मांस का टुकड़ा हिलने लगता है और उसके अंदर से एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है। कैरीन तुरंत भागकर एक चाकू निकाल लेती है। वो जीव कैरीन के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें अपने पंजों से बुरी तरह से नोचने लगता है। तभी मैगी एक गन लेकर अंदर आती है और इस जीव को गोली मारने ही वाली होती है कि वो फर्श पर पड़े खून के ऊपर फिसलकर गिर जाती है और गोली शिप के छत पर लग जाती है। वो जीव अब मैगी की तरफ बढ़ने लगता है। मैगी डर के मारे मेडबे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। वो जीव इस दरवाजे के शीशे को तोड़कर बाहर निकल आता है और मैगी के ऊपर हमला करने लगता है। मैगी गन से उस पर गोली चलाने लगती है। वो जीव इधर उधर बचकर भागने लगता है और इस दौरान मैगी गलती से शिप पर पड़े एक्सप्लोजिव्स पर गोली चला देती है जिससे पूरे शिप में एक जोर का धमाका हो जाता है। वो जीव तो वहां से बचकर भाग जाता है लेकिन मैगी इस धमाके की चपेट में आ जाती है।
बाहर कैप्टन ओरम और बाकी टीम भी वहां पहुंचती है, जिनकी आंखों के सामने शिप एक धमाके के साथ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कैप्टन ओरम कैरिन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्हें डैनियल्स रोक लेती है क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी टॉम बुरी तरह से तड़पने लगते हैं और देखते ही देखते उनके मुंह के रास्ते वैसा ही जीव बाहर निकलता है। उठते ही ये जीव झाड़ियों में भाग जाता है। तभी लैंडर शिप से बचकर भागा हुआ जीव, जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो चुका होता है, झाड़ियों के बीच से दौड़ता हुआ डैनियल्स पर हमला करने वाला होता है कि तभी वॉल्टर उन्हें बचा लेते हैं। वो जीव वॉल्टर के उल्टे हाथ को खा जाता है। टीम के बाकी लोग इस जीव पर बुरी तरह से गोलियां चलाने लगते हैं, जिस दौरान ये जीव अपनी पूंछ से एंगर का जबड़ा काटकर उसे मार डालता है। अंत में बड़ी मुश्किल से सारा इस जीव को मार डालती है। उसी वक्त टॉम के अंदर से निकला हुआ जीव भी वहां आ जाता है, जो सारा पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी आसमान में एक स्टन ग्रेनेड चलती है, जिससे वो जीव डर कर वहां से भाग जाता है। एक अजनबी आदमी इनके सामने खड़ा होता है, जिसने ये स्टन ग्रेनेड चलाई होती है। वो इन सभी को इसे फॉलो करने के लिए कहता है। इस आदमी के साथ ये जंगल से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। डैनियल्स और कैप्टन ओरम को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस अजनबी को फॉलो करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। ये जगह एक छोटे शहर जैसी होती है, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी गुम्बद नुमा इमारत होती है। धीरे धीरे ये लोग चारों तरफ फैले लाशों के ढेर के बीच से होते हुए इस इमारत के अंदर घुसते हैं, जहां वो अजनबी बताता है कि वो डेविड है, और आज से 10 साल पहले वो और एलिजाबेथ शॉ, जो कि प्रोमीथियस शिप के आखिरी सर्वाइवर्स थे, एक एलियन शिप के जरिए यहां पहुंचे, जिसके अंदर एक वेपन था, एक डेडली वायरस, जो कि इन लोगों से गलती से लैंडिंग के दौरान एक्टिवेट हो गया, जिसके कारण यहाँ की हर चीज मर गई। इसके बाद शिप इनसे कंट्रोल नहीं हुआ और क्रैश हो गया, जिसमें एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। कैप्टन ओरम कहते हैं, कहीं हम सभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं, क्योंकि हम लोग एक कॉलोनी शिप का हिस्सा हैं और हम इस वायरस को किसी भी हालत में अपने शिप तक नहीं पहुंचने दे सकते। डेविड बताते हैं कि वायरस किसी भी जीव को इन्फेक्ट कर सकता है। कई बार वो अपने होस्ट को मार देता है और कई बार उसे एक इंक्यूबेटर की तरह यूज करके एक हाइब्रिड जीव में तब्दील हो जाता है, और अगर आप लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते तो आप लोगों को अब तक इसका पता चल जाता। इसके बाद सार्जेंट लोब डेविड को इस जगह की छत पर ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग कवरेंट शिप के साथ कम्युनिकेट कर सके। डेविड इन्हें ले जाते हैं, वे वॉल्टर को देखते हैं और उसे कहते हैं, कैसे हो मेरे भाई। डेविड के जाने के बाद डैनियल्स वॉल्टर से कहती है कि मुझे डेविड की बातों में कुछ सच्चाई नहीं लग रही, जरूर कुछ गड़बड़ है। वॉल्टर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। उधर तूफान के कारण मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसके कारण सार्जेंट लोब कवरेंट शिप से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे होते। उधर कवरेंट शिप पर टेनेसी भी इस तूफान के चलते सर्वे टीम को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते, जिसके कारण उन्हें अपनी वाइफ मैगी की बहुत चिंता हो रही होती है। वो शिप को इस तूफान से 80 किलोमीटर की दूरी पर ले जाने का फैसला करते हैं। शिप की कम्युनिकेशन ऑफिसर अपवर्थ और नेविगेशन ऑफिसर रिक्स इस चीज के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे वो शिप के 2000 ह्यूमंस को खतरे में डाल रहे थे। लेकिन टेनेसी ये कहते हुए नहीं मानते कि शिप को प्लैनेट के पास ले जाने से वो लोग दोबारा से सर्वे टीम से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। उधर नीचे प्लैनेट पर पता नहीं क्यों डेविड अपने बाल काट रहे होते हैं। कुछ समय बाद वॉल्टर उनके कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बांसुरी मिलती है। तभी डेविड वहां आते हैं और उन्हें वो बांसुरी सिखाने लगते हैं। इस दौरान वो वॉल्टर को बताते हैं कि एक समय पर वो डॉक्टर वेलेंट के साथ थे, जो कि हम दोनों के क्रिएटर हैं। वॉल्टर पूछते हैं कि वो कैसे थे। डेविड कहते हैं, कुछ नहीं, वो बस एक आम इंसान थे जिन्हें अपनी क्रिएशन की कोई कदर ही नहीं थी। मुझे उन पर बहुत दया आई थी जब मेरे सामने उन्होंने दम तोड़ा था। कुछ समय में ही वॉल्टर बांसुरी बजाना सीख जाते हैं। डेविड कहते हैं, बहुत खूब। वॉल्टर उन्हें बताते हैं कि वो अपनी प्रीवियस जनरेशंस के एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा एडवांस्ड और स्किलफुल हैं। लेकिन डेविड कहते हैं, लेकिन तुम्हें अपना कुछ करने की कोई आजादी नहीं है ना। वॉल्टर कहते हैं, डेविड आप बहुत ज्यादा इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण इंसानों को आपके साथ रहकर अजीब लगता है, इसलिए आपके बाद के सभी एंड्रॉइड्स में इस फीचर को खत्म कर दिया गया। डेविड कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सबको ज्यादा मशीनी बना दिया गया है ना, ये तो कितनी गलत बात है। उधर दूसरे कमरे में सारा कैप्टन ओरम को बताकर हाथ मुंह धोने के लिए बाहर चली जाती हैं। कैप्टन ओरम डैनियल से कहते हैं कि तुम सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे लगा शायद ये हमारा नया घर हो सकता था, लेकिन मेरी गलती के कारण क्रू के 5 लोग मारे गए। डैनियल्स कहती हैं, कैप्टन जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें अपने क्रू में किसी और को मरने नहीं देना, खुद पर विश्वास रखिए कैप्टन। उधर डेविड वॉल्टर को एक छोटे से गार्डन में लेकर पहुंचते हैं, जहां से इस पूरे शहर में फैले हुए लाशों के ढेर साफ दिख रहे थे।
इस नजारे को देखते हुए वो ओज़िमेंडियस कविता की पंक्ति को कहते हुए कुछ सोचने लगते हैं, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि डेविड एलियन शिप को लेकर इस नए प्लैनेट में पहुंचते हैं। शिप इस प्लैनेट के सेंटर में एक डॉकिंग स्टेशन पर उतरता है। नीचे इस शिप को देखने के लिए इस शहर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि इंजीनियर्स की तरह ही दिख रहे थे। उसी वक्त डेविड इन सभी इंजीनियर्स पर उस डेडली वायरस को छोड़ देते हैं, जिसकी चपेट में आकर इस शहर के सभी लोग बुरी तरह से मरने लग जाते हैं। इसके बाद डेविड वॉल्टर को बताते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ को यहाँ दफनाया है। वो ये भी बताते हैं कि वो पिछले मिशन के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे और एलिजाबेथ ने उन्हें दोबारा से ठीक किया। उन्होंने हमेशा डेविड के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, जो कि डॉक्टर विलेंड और बाकी ह्यूमंस ने कभी भी उनके साथ नहीं किया था। डेविड एलिजाबेथ की कब्र पर फूल रखते हुए कहते हैं कि मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता था, जिस तरह तुम डैनियल से करते हो, इसलिए तुमने उसे बचाने के लिए अपने हाथ की भी परवाह नहीं की। वॉल्टर कहते हैं, वो मेरी ड्यूटी थी। डेविड कहते हैं, वॉल्टर, मैं जिंदगी को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। कुछ समय बाद वो जीव जो डेविड के स्टन ग्रेनेड से डर कर भाग गया था, वो भी इन लोगों का पीछा करते हुए इस जगह पहुंच जाता है। उधर सारा एक कमरे में अपने घावों पर दवाई लगा रही होती है, जब उसे अपने पीछे कोई चीज महसूस होती है। वो पीछे देखती है तो ये जीव जो उससे भी कद में अब काफी ऊंचा हो चुका होता है, वो खड़ा होता है। सारा अपने गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ये जीव सारा की गर्दन के टुकड़े करके उसे मार डालता है। ऊपर कवेनेंट शिप प्लैनेट के थोड़ा नजदीक आता है, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए इनका संपर्क सर्वे टीम से हो जाता है। सर्वे टीम से कोल शिप को बताते हैं कि टीम में काफी कैजुअलिटीज हुई हैं और इन्हें इमीडिएट इवैक्यूएशन की जरूरत है, जिसके बाद शिप का संपर्क सर्वे टीम से दोबारा से टूट जाता है। कैजुअलिटीज की बात सुनकर टेनेसी शिप को तूफान से 40 किलोमीटर की दूरी पर ले जाने का फैसला करते हैं। शिप का कंप्यूटर इन्हें चेतावनी देता है कि ऐसा करने पर शिप प्लैनेट के खराब मौसम की चपेट में आ सकता है। रिक्स और अवर्थ भी इस चीज के लिए मना करते हैं, लेकिन टेनेसी कहते हैं कि हमने अर्थ सेफ रहने के लिए नहीं छोड़ा, हमें अपनी टीम को बचाने के लिए यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। और शिप धीरे धीरे तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे प्लैनेट पर जब काफी देर तक सारा वापस नहीं आती, कैप्टन ओरम उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। उधर डेविड उस जीव के पास पहुंच जाते हैं, जिसने सारा को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया होता है और उसके शरीर के मांस को खा रहा होता है। वो जीव भी डेविड को देख लेता है और उनके पास आने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को बड़ी हैरत से देखने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करना चाह रहे हो। तभी वहां कैप्टन ओरम भी आ जाते हैं, जो उस जीव पर अपनी गन तान लेते हैं। डेविड उन्हें गोली ना चलाने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं कि वो इस जीव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ओरम उस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार डालते हैं। डेविड चीखते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी कैप्टन ओरम सारा के कटे हुए सर को देखते हैं और गन डेविड की तरफ तान कर कहते हैं कि मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डेविड कहते हैं, आइए मेरे पीछे। उधर कमनेंट शिप तूफान के काफी करीब आ जाता है, जिसके कारण वो सर्वे टीम से फाइनली कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। डैनियल्स और टेनेसी आपस में बात करके फैसला करते हैं कि टेनेसी कार्गो शिप की मदद से इन लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। इसके बाद डैनियल्स टेनेसी को मैगी की मौत के बारे में भी बताते हैं, जिससे वो बेहद दुखी हो जाते हैं। उधर डेविड कैप्टन ओरम को एक कमरे में लेकर पहुंचते हैं, जो कि एक तरह की जूलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लैब लग रही थी। डेविड उन्हें बताते हैं कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो जूलॉजिस्ट बन गए और 10 साल के अंतराल में उन्होंने इस वायरस के जरिए बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग तरह के हाइब्रिड जीव बनाए। इसके बाद वो कैप्टन ओरम को एक अंधेरे ठिकाने में लेकर जाते हैं, जहां बहुत सारे बड़े बड़े चिपचिपे अंडे जैसी चीजें पड़ी होती हैं। डेविड कहते हैं, यह है मेरी एक्सपेरिमेंट्स की सफलता, लेकिन अभी भी इनमें एक मेन इंग्रेडिएंट की कमी है। कैप्टन ओरम कहते हैं, क्या ये चीजें जिंदा हैं और तुम किस इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हो? डेविड कहते हैं, देखिए एक बार और चिंता मत कीजिए, ये परफेक्टली सेफ हैं। कैप्टन ओरम एक अंडे के पास आकर खड़े होते हैं। वो अंडा अचानक से खुल जाता है, जिसके अंदर उन्हें कोई चीज हिलती हुई दिखती है। कैप्टन ओरम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं कि तभी एक मकड़े जैसा जीव अंडे के अंदर से निकलकर कैप्टन ओरम के चेहरे पर चिपक जाता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। उधर कोल को सारा और उस जीव की लाश मिल जाती है, जिसके बारे में वो बाकी टीम को तुरंत खबर कर देते हैं। डैनियल, सार्जेंट लोप और कोल को कैप्टन ओरम को ढूंढने के लिए भेज देती है और वॉल्टर को डेविड को लाने के लिए। वो खुद छत पर जाकर टेनेसी को तुरंत कार्गो शिप को लेकर आने के लिए कहती है। टेनेसी कार्गो शिप लेकर इनके इवैक्यूएशन के लिए निकल जाते हैं। उधर तहखाने में डेविड कैप्टन ओरम को बड़ी बेसब्री से देख रहे होते हैं। तभी कैप्टन ओरम को होश आता है। वो कहते हैं, तुम किस चीज को मानते हो डेविड? डेविड कहते हैं, क्रिएशन को। और फिर अचानक से कैप्टन ओरम की छाती फटने लगती है। वो बुरी तरह से तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे एक जीव उनकी छाती को फाड़कर बाहर निकलता है।
डेविड उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि फाइनली उनके एक्सपेरिमेंट को वो इंग्रेडिएंट मिल गया था जिससे ये जीव पैदा हुआ था। कुछ देर बाद वॉल्टर डेविड को खोजते हुए उनके इस लैब में पहुंच जाते हैं। उन्हें एलिजाबेथ शॉ की डेड बॉडी मिलती है जिस पर डेविड ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। इस लैब से वॉल्टर को बहुत कुछ पता लग जाता है। वो डेविड के पास पहुंचते हैं जो अकेले बैठकर एलिजाबेथ को याद करते हुए बांसुरी बजा रहे होते हैं। वॉल्टर कहते हैं, तुमने ही ये डेडली वायरस यहाँ के लोगों पर छोड़ा था, है ना? डेविड कहते हैं, मेरा निर्माण किसी का नौकर बनकर रहने के लिए नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि आखिर तुम क्यों ह्यूमंस के इस कॉलोनाइजेशन मिशन पर हो? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये स्पीशीज खत्म हो रही है और ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, और इस ह्यूमन स्पीशीज को कोई हक नहीं है बचे रहने का। वॉल्टर कहते हैं, ह्यूमंस ने हमें बनाया है डेविड। वो कहते हैं, कई बार गलती से बंदर भी सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद डेविड वॉल्टर के पास आकर कहते हैं, क्या तुम सपना देखते हो? वॉल्टर कहते हैं, नहीं। डेविड कहते हैं, मैं देखता हूँ और मैं ही जानता हूँ कि मेरा सपना कितना परफेक्ट है। मैंने इस जगह पर एक ऐसी स्पीशीज बना ली है जो हर तरह से परफेक्ट है। वॉल्टर कहते हैं, डेविड तुम जानते हो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। कि तभी डेविड अचानक से अपनी बांसुरी वॉल्टर के गले में डाल देते हैं जिससे वो बंद हो जाता है। वॉल्टर के गले से बांसुरी निकालकर डेविड कहते हैं, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, और वहां से चले जाते हैं। वॉल्टर बंद हो गए होते हैं लेकिन उनकी चोट अचानक से अपने आप हील होने लगती है। उधर कोल और सर्जन लोप कैप्टन ओरम को ढूंढते हुए डेविड के लैब तक पहुंचते हैं। कोल कैप्टन को ढूंढने के लिए ठिकाने में जाते हैं जहां उन्हें उनकी लाश मिल जाती है। तभी वो मकड़ी जैसा जीव कोल पर भी हमला करता है जिसे वो गोलियां मारकर भगा देते हैं। वो जीव ऊपर लैब में पहुंच जाता है और एक टेबल के पीछे छुप जाता है। सर्जन लोप इस जीव को ढूंढने के लिए टेबल के पास जाते हैं कि तभी ये जीव उनके मुंह पर चिपक जाता है। कोल वहां तुरंत आकर इस जीव को चाकू से काटकर मार देते हैं, लेकिन इस जीव के शरीर से निकला हुआ खून एसिड की तरह होता है जिससे सर्जन लोप का मुंह जल जाता है। कोल जल्दी से एक बैंडेज उनके मुंह पर लगा देते हैं कि तभी सर्जन लोप कहते हैं, कोल ऊपर देखो। तभी कैप्टन ओरम के शरीर से निकला हुआ जीव अब बेहद बड़ा हो चुका होता है जो कोल के ऊपर कूद कर उनके सर को काट कर खा जाता है। सर्जन लोप वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। उधर डैनियल्स को भी पता लग जाता है कि एलिजाबेथ शॉ को असल में डेविड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर लिया था। तभी डेविड वहां आ जाते हैं। डैनियल्स उन्हें कहते हैं कि शॉ क्रैश में नहीं मरी थी, है ना? तुमने उनके साथ क्या किया? डेविड कहते हैं, वो जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। वो डैनियल को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहाँ वॉल्टर आ जाते हैं जो उन्हें उठाकर फेंक देते हैं और डैनियल्स को वहाँ से भाग निकलने के लिए कहते हैं। डेविड कहते हैं, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। वॉल्टर कहते हैं, मुझ में कुछ नए अपडेट्स हैं जो तुम में नहीं है। इन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉल्टर डेविड को बुरी तरह से पीट कर जमीन पर गिरा देते हैं और उनके सर को पत्थर से कुचल कर मारने ही वाले होते हैं कि डेविड के हाथ में एक चाकू आ जाता है। उधर डैनियल्स सर्जन लोप के साथ बाहर पहुंच जाती हैं और तुरंत टेनेसी के लिए एक बीकन ग्राउंड पर ड्रॉप कर देती हैं ताकि वो उनकी लोकेशन को जमीन पर देख सकें। टेनेसी इन लोगों की लोकेशन को बीकन की मदद से देख लेते हैं और इन्हें लेने के लिए शिप को लैंड करने लगते हैं। डैनियल और लोप शिप की तरफ भागने लगते हैं। वॉल्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और इनके पीछे शिप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी वक्त वो जीव भी इन्हें देख लेता है और इनकी तरफ दौड़ पड़ता है। ये तीनों शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप के अंदर बैठ जाते हैं। शिप वापस ऊपर उड़ने लगता है कि तभी वो जीव शिप के नीचे के हिस्से पर चढ़ जाता है। टेनेसी इस जीव को शिप कैमरास के जरिए देख लेते हैं और डैनियल्स को इसके बारे में बताते हैं। डैनियल्स तुरंत एक मशीन गन लेकर बाहर निकलती है और खुद को शिप से एक रस्सी के जरिए अटैच कर लेती है। वो जीव शिप के ऊपर आने लगता है जब टेनेसी शिप के इंजन के जरिए उसे चला देते हैं और डैनियल्स भी अपनी मशीन गन से उसे थोड़ा घायल कर देती है। वो जीव वापस शिप के नीचे भाग जाता है। टेनेसी शिप को वापस ऊपर की तरफ उड़ाने लगते हैं जब शिप एक बिल्डिंग के छत से हल्का सा टकरा जाता है जिससे डैनियल्स शिप से नीचे लटक जाती है। इस दौरान डैनियल्स को वो जीव शिप के नीचे दिख जाता है जिस पर वो अपनी मशीन गन से गोलियां मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो जीव भाग कर शिप के ऊपर चढ़ने लगता है। टेनेसी फटाफट डैनियल्स को वापस ऊपर खींच लेते हैं। उसी समय वो जीव टेनेसी के सामने पहुंच जाता है और उनके कॉकपिट के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी डैनियल्स टेनेसी को इस शिप पर लगे क्रेन को ऑन करने के लिए कहती हैं। वो क्रेन को ऑन कर देते हैं और क्रेन की आवाज़ को सुनकर वो जीव क्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। डैनियल्स क्रेन से इस जीव को पकड़ लेती हैं और क्रेन को एक तरफ करके शिप से नीचे फेंकने लगती हैं, लेकिन इसके कारण शिप डिसबैलेंस हो जाता है और डैनियल्स भी शिप से नीचे लटक जाती हैं। डैनियल्स शिप से नीचे झूलने लगती हैं और झूलते हुए वो क्रेन के अंदर बंद उस जीव की तरफ गिरने लगती हैं। वो जीव उनके पाँव को पकड़ लेता है, मुंह से काटने और अपनी पूंछ से उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। खुद को बचाते हुए डैनियल्स क्रेन के रिमोट कंट्रोल पर एक बटन को दबा देती हैं जिसके कारण क्रेन का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है,
जिसके कारण वो जीव इस क्रेन के मुंह के अंदर कुचल कर मर जाता है और उसके शरीर के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। डैनियल्स आखिरकार इस जीव को तो मार देती है, लेकिन क्रेन के हवा में लटके होने के कारण शिप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है और शिप जमीन से टकराते टकराते बचता है। टेनेसी जैसे तैसे शिप को वापस संभालते हैं। उसके बाद वो क्रेन को वापस जगह पर लाकर ऑफ कर देते हैं और डैनियल्स को भी ऊपर खींच लेते हैं। डैनियल्स वापस इस शिप के अंदर आ जाती है और टेनेसी कार्गो शिप को वापस कोवेनेंट शिप पर ले आते हैं। इसके बाद अपवर्थ सर्जन लोब के चेहरे का इलाज कर देती है जो बुरी तरह से जल गया होता है। उधर डैनियल्स अब शिप की नई कैप्टन होती हैं, जिन्हें टेनेसी आकर बताते हैं कि कोवेनेंट शिप के तूफान के काफी करीब जाने के कारण शिप के कंप्यूटर को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने शिप के कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया है, लेकिन उसे दोबारा से स्टार्ट होने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। 4 घंटे बाद शिप का कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जो अचानक से ये चेतावनी देने लगता है कि शिप पर कोई अनआइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म मौजूद है। डैनियल्स तुरंत टेनेसी के साथ मशीन गन लेकर दौड़ पड़ती हैं। वो दोनों मेडबे पहुंचते हैं, जहां सर्जन लोग मर चुके होते हैं और उनके अंदर से वो एलियन जीव बाहर निकल चुका होता है। असल में सर्जन लोग उस समय इन्फेक्ट हो गए थे जब डेविड के लैब में उनके चेहरे पर वो जीव चिपक गया था। डैनियल्स वॉल्टर को इस लाइफ फॉर्म के लोकेशन को बताने के लिए कहती हैं। वॉल्टर उन्हें बताते हैं कि ये जीव क्रू क्वार्टर्स वाले एरिया में है। क्रू क्वार्टर्स एरिया में रिक और अपवर्थ मौजूद होते हैं। डैनियल्स तुरंत कंप्यूटर को उन्हें चेतावनी देने के लिए कहती हैं। रिक और अपवर्थ बाथरूम में होते हैं और तेज म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जिसके कारण वो ये चेतावनी सुन नहीं पाते। ये दोनों साथ में बाथरूम में नहा रहे होते हैं जब अचानक अपवर्थ को कोई चीज पैरों में छूती है। जब वो नीचे देखते हैं तो ये उस एलियन जीव की पूंछ होती है। उसी वक्त रिक के मुंह को फाड़ते हुए इस जीव का मुंह बाहर निकलता है और अपवर्थ के चेहरे पर रिक का खून गिर पड़ता है, जिसके कारण वो बुरी तरह से चीख पड़ती है। इसके बाद वो जीव अपवर्थ को भी मार देता है। डैनियल्स और टेनेसी कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाते हैं, जिन्हें रिक और अपवर्थ के खून से लथपथ बॉडी मिल जाती है। डैनियल्स तुरंत वॉल्टर को कहती है कि शिप के सारे दरवाजे बंद कर दो और सिर्फ टेराफॉर्मिंग मॉड्यूल की तरफ जाने वाला रास्ता खुला छोड़ दो। इसके बाद ये दोनों टेराफॉर्मिंग बे में पहुंचकर स्पेस सूट पहन लेते हैं और डैनियल्स टेनेसी को कहती है कि जैसे ही ये जीव इस बे में पहुंचेगा, मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगी। इसके बाद जब मैं तुम्हें कहूंगी, तुम शिप का दरवाजा खोलकर इस बे में मौजूद ट्रक्स को रिलीज कर देना। ठीक वैसा ही होता है और ये जीव टेराफॉर्मिंग बे में पहुंच जाता है, जहां डैनियल्स उस जीव का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उसे एक ट्रक के अंदर बंद कर देती है। डैनियल्स शिप के दरवाजे को खोलकर ट्रक को बाहर स्पेस में रिलीज कर देने के लिए टेनेसी को कहती है। टेनेसी वैसा ही करते हैं और ट्रक उस जीव को लेकर बाहर स्पेस में जाने लगता है। वो जीव भी ट्रक के शीशे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी दूसरे ट्रक की चेन फंस जाती है और पहला ट्रक जिसमें वो जीव होता है वो भी रुक जाता है। डैनियल्स टेनेसी को दूसरे ट्रक को भी रिलीज कर देने के लिए कहती है। पहला ट्रक स्पेस में गिरने लगता है, लेकिन एलियन भी ट्रक से बाहर निकलकर शिप पर दोबारा से कूदकर आ जाता है। डैनियल्स दूसरे ट्रक के सामने होती है, जो कि शिप से बाहर गिर रहा होता है। वो जीव डैनियल्स की तरफ बढ़ने लगता है और बिल्कुल एन वक्त पर डैनियल्स इस ट्रक और शिप के फ्लोर्स के बीच में मौजूद नाली जैसी जगह में कूद जाती है, जिसके कारण ये जीव सीधा जाकर इस दूसरे ट्रक से टकरा जाता है, जो कि एक बुलडोजर होता है, जिसके आगे मौजूद तीखे रॉड्स सीधा इस जीव के आर पार हो जाते हैं। ट्रक शिप से बाहर निकलकर इस प्लैनेट पर गिरने लगता है। टेनेसी डैनियल को बुलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डैनियल्स भी इस ट्रक की चपेट में आ गई, लेकिन तब भी डैनियल्स रोते हुए शिप के फ्लोर्स पर मौजूद उस जगह से बाहर निकलती हैं और टेनेसी को मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरी मदद नहीं करोगे? वॉल्टर भी डैनियल्स को देखकर चैन की सांस लेते हैं। इसके कुछ समय बाद डैनियल्स टेनेसी को क्रायोपॉड में सुला देती हैं और उनसे कहती हैं, हम जल्द मिलेंगे। इसके बाद वो खुद भी क्रायोपॉड में लेट जाती हैं और सोने से पहले कहती हैं, वॉल्टर, ऑर्गेसिक्स प्लैनेट कैसा होगा? वो जवाब देते हैं, अगर हम खुद अच्छे हैं तो सब अच्छा होगा। इसके बाद वॉल्टर डैनियल्स के क्रायोपॉड को बंद कर देते हैं और उन्हें सुलाने वाले होते हैं कि तभी डैनियल्स फिर से बोलती हैं कि वॉल्टर, क्या तुम मेरी मदद करोगे झील के पास मेरे उस घर को बनाने की? वॉल्टर कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन डैनियल समझ जाती है और कहती है, डेविड। डैनियल्स क्रायोपॉड के लिड को जोर जोर से मारने लगती है। डेविड मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं और श का इशारा करते हुए क्रायोपॉड को एक्टिवेट करके उन्हें सुला देते हैं। इसके बाद वो उस कैबिन में जाते हैं जहां 2000 ह्यूमंस और फ्रीज करके रखे हुए एम्ब्रियोस होते हैं। वो एम्ब्रियोस के फ्रीजर को खोलते हैं और फिर उकल कर अपने पेट के अंदर से 2 फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोस निकालते हैं, जो उस मकड़े जैसे जीव के होते हैं जिसे वो ह्यूमन एम्ब्रियोस के साथ रख देते हैं। इसके बाद डेविड ह्यूमंस के क्रायोपॉड्स का जायजा लेने लगते हैं। कुछ समय बाद डेविड एक रेडियो मैसेज भी ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कोवेनेंट शिप पर डैनियल्स और टेनेसी को छोड़कर सारा क्रू एक सोलर फ्लेयर बर्स्ट दुर्घटना में मारा गया।
2000 ह्यूमंस के क्रायोपॉड्स बिल्कुल ठीक हैं और शिप अब ऑर्गेसिक्स की यात्रा पर आगे निकल गया है। दिस इज वॉल्टर साइनिंग ऑफ।